हेलो एवरीवन, वेलकम टू समाधान स्टडी। आज हमारी इंग्लिश की क्लास थर्ड है। तो कल हमने आर्टिकल पढ़े थे, आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन। नाउन क्या होता है? तो नाउन की डेफिनेशन होती है, अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंक, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। ये नाउन की डेफिनेशन होती है, ये होती है नाउन की डेफिनेशन। अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंक, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। यानी कि किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, गुण, दशा और कार्यकलाप के नाम को नाउन कहते हैं। मतलब कोई भी पर्सन का नेम, उसकी नेम, किसी पर्सन का नेम, प्लेस, थिंक, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन को नाउन कहते हैं। तो जैसे पर्सन का नेम मतलब जैसे मुकेश, कोई प्लेस यानी कि पटना, कोई थिंक यानी कि जैसे पेन, क्वालिटी यानी कि ऑनेस्टी, ऑनेस्टी का मतलब क्या होता है? ईमानदारी। अब और कंडीशन यानी इलनेस, इलनेस का मतलब क्या होता है? बीमारी। और एक्शन, एक्शन यानी मूवमेंट, गति, चाल। तो ये उसकी डेफिनेशन होती है। अब अ नाउन इज़ द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, थिंक, क्वालिटी, कंडीशन एंड एक्शन। अब नाउन के टाइप्स देखेंगे, नाउन कितने टाइप्स के होते हैं। नाउन के मेन टू टाइप्स होते हैं, काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन के थ्री टाइप्स होते हैं, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन। और अनकाउंटेबल नाउन के टू टाइप्स होते हैं, मटेरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये काउंटेबल नाउन क्या होते हैं? द नाउन विच कैन बी काउंटेड, मतलब जो नाउन हम काउंट कर सकते हैं, जैसे कि वीना, गर्ल, क्लास एट्सेट्रा, काउंटेबल नाउन होते हैं ये। काउंटेबल नाउन के टाइप्स हैं, फर्स्ट है प्रॉपर नाउन। द नाउन विच डिनोट्स अ प्रॉपर पर्सन, प्लेस और थिंक, मतलब जो ऐसे नाउन जो कोई प्रॉपर पर्सन, प्रॉपर प्लेस, प्रॉपर थिंक को डिनोट करते होंगी, ये नाउन कहलाती है। जैसे प्रॉपर पर्सन के एग्जांपल क्या है? विनय, अजीत, नीलू। ये कोई प्रॉपर पर्सन के बारे में, कोई एक जो पर्सन है उसका नाम दिया है उसके बारे में, कोई प्रॉपर पर्सन। जैसे कोई प्रॉपर प्लेस, कोई प्लेस का नाम दिया, जैसे मुंबई, कोलकाता, दिल्ली। अब प्रॉपर थिंग, जैसे कोई प्रॉपर थिंग, रामायण, गीता, बाइबल, ये हो गया। अब नेक्स्ट है कॉमन नाउन। कॉमन नाउन में इसके डेफिनेशन है, द नाउन विच डिनोट्स कॉमन पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब कॉमन पर्सन, कॉमन प्लेस, कॉमन थिंग। इसके एग्जांपल्स है कॉमन पर्सन के मैन, वुमेन, कॉमन प्लेस के टाउन, स्कूल, कॉमन थिंग्स, बुक, टेबल। इसमें कोई भी कॉमन चीज़ बोलिए, इसमें ऐसा किसी का नाम नहीं बोला है, कोई प्लेस का नाम नहीं बोला है, स्कूल बोला है, कोई बुक का नाम नहीं बोला है, बुक बोला है, ऐसा। अब नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन में द नाउन विच डिनोट्स अ ग्रुप ऑफ पर्सन और अदर क्रिएचर्स एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब इसमें क्या बोला है? ग्रुप ऑफ पर्सन और एंड कलेक्शन ऑफ थिंग्स, मतलब किसी कलेक्टिव नाउन मतलब कोई भी चीज़ का कलेक्शन, कलेक्शन और ग्रुप। तो ग्रुप ऑफ पर्सन बोला है फर्स्ट एग्जांपल में। ग्रुप ऑफ पर्सन में जैसे अ क्रू ऑफ सेलर्स, अ टीम ऑफ प्लेयर, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स एंड आर्मी ऑफ सोल्जर्स, इसमें पूरे ग्रुप के बारे में बात की है, ग्रुप ऑफ पर्सन के बारे में। अब फिर नेक्स्ट है क्लास ऑफ थिंग्स। क्लास ऑफ थिंग्स में अ फ्लीट ऑफ शिप्स, अ बंच ऑफ फ्लावर्स, अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, मतलब इसमें थिंग्स के कलेक्शन की बात की गई है। कलेक्टिव नाम में कोई भी चीज़ का कलेक्शन, कोई पर्सन का, ग्रुप का कलेक्शन या ग्रुप, मतलब ग्रुप ऑफ पर्सन का कलेक्शन और कलेक्शन ऑफ थिंग्स का, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब नेक्स्ट है अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन द नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड, मतलब ऐसी नाउन जो काउंट नहीं कर सकती, जो काउंट नहीं की जा सकती। जैसे कि इसके एग्जांपल्स है गोल्ड, वाटर, ऑयल, कॉफ़ी, ऑनेस्टी। गोल्ड को हम काउंट नहीं कर सकते, वाटर को भी नहीं कर सकते, ऑयल को भी, कॉफ़ी को भी नहीं, ऑनेस्टी यानी कि ईमानदारी, ये चीज़ें
काउंट नहीं किया जा सकता, जैसे 1, 2, 3 इसके कोई अलग चीज़ होती है, लेकिन इतनी अमाउंट में रहता है कि जैसे अपन हाथ में लेके इसको काउंट नहीं कर सकते, ऐसे बोलकर काउंट नहीं कर सकते इसे, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आते हैं, ये उसके एग्जांपल्स है। अब अनकाउंटेबल में भी फर्स्ट है मटेरियल नाउन। मटेरियल नाउन में उसकी डेफिनेशन है द नाउन विच डिनोट्स मटेरियल। मटेरियल नाउन वो नाउन होते हैं जो किसी मटेरियल को डिनोट करते हैं, जैसे कि कोई मटेरियल क्या हो गया, कॉपर, सिल्वर, टी, कॉफ़ी, घी एट्सेट्रा, ये कोई मटेरियल हो गया, ये कोई मटेरियल है ना, तो मटेरियल को डिनोट करता है ये नाउन। अब नेक्स्ट है बी एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन यानी कि द नाउन विच डिनोट्स क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, मतलब क्वालिटी उसकी, उनके गुण और उनकी कंडीशन, क्वालिटी, कंडीशन और एक्शन, यानी कि विजडम, ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, मतलब ह्यूमैनिटी, प्राइड, ब्रेवरी, चाइल्डहुड, ये उसके एग्जांपल्स हैं। तो ये इतने टाइप्स के पूरे नाउन होते हैं, नाइन इतने टाइप्स के होते हैं नाउन। तो इसमें कुछ एग्जांपल्स है, सम इम्पॉर्टेंट कलेक्टिव नाउन्स। अ क्राउड ऑफ पीपल, इसमें कुछ ही इसके कलेक्टिव नाउन्स के एग्जांपल्स दिए। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ सीट ऑफ ग्रेन, अ हर्ड ऑफ कैटल, अ हिप ऑफ सैंड, अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, अ बंच ऑफ कीस, अ क्लस्टर ऑफ स्टार, अ गैलेक्सी ऑफ स्टार, अ गैंग ऑफ रॉबर्स, अ फ्लिप ऑफ सीप्स, अ नेस्ट ऑफ आंट्स, आर्मी ऑफ आंट्स, अ स्वार्म ऑफ आंट्स, अ कॉलोनी ऑफ पेट्री जेस। एग्जाम्पल्स आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट्स ले सकते हैं इनका। और ये कुछ एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स है, सम इम्पॉर्टेंट एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉमन नाउन में क्या है, एक्ट बेबी, बॉन्ड, चाइल्ड, फ्रेंड, किंग, मैन, रॉबर, पैट्रियट, वुमेन, प्राइज्ड, इन्फेंट, स्क्रेस, सेस, विजिट, एजेंट। तो वही, अब जैसे कॉमन नाउन में हम इसको क्या बोलते हैं, एक्ट। एब्स्ट्रैक्ट नाउन में क्या बोलेंगे इसको, एक्शन। बेबी बेबीहुड, बॉन्ड को बॉन्डेज, चाइल्ड को चाइल्डहुड, फ्रेंड को फ्रेंडशिप, किंग को किंगशिप, ये दोनों के कोई, मैन मैनहुड, रॉब रॉबरी, पैट्रियट पैट्रियटिज्म, वुमेन वुमेनहुड, ये सब आप देख लीजिए, ये उसको आप पढ़ सकते हैं, एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कॉमन नाउन। उसमें इसको जैसे एडजेक्टिव में फॉल्स बोलते हैं तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन में फॉल्सहुड हो जाता है, एडजेक्टिव में इग्नोरेंट है उसमें इग्नोरेंस हो जाता है, इंटेलिजेंट है इंटेलिजेंस, हाई हाइट हो जाता है, वाइड विड्थ हो जाता है, इस तरह से ये चेंज हो जाता है, जैसे उसके नाउन की वजह से वो चेंज हो जाता है। जैसे कॉमन नाउन में एक्ट को, कॉमन नाउन में उसको एक्ट बोलेंगे और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में उसको एक्शन बोलेंगे, तो ये उसके नाउन फॉर्म में चेंज हो जाते हैं, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एडजेक्टिव, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये सारे उसके एग्जांपल्स हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।